Hello and welcome, this is Kavita and you are watching A My Made Easy. इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत कुछ सालों में रिपीटेडली पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है ये है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, जो टॉपिक है जो मैंने पिछले दो वीडियो में कवर किया था. उस वीडियो से रिलेटेड, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो सबसे रिपीटेडली पूछा गया है बार बार कुछ सालों में, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो वो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरस्टीशियल एंड वेकेंसी डिफ्यूजन. ये क्वेश्चन जो है समर 2006, 7, 10, 13 एंड 15 फॉर 7 मार्क्स ये बार बार पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को कवर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और वो भी 7 मार्क्स के लिए. तो देखते हैं कि इंटरस्टिशियल और वेकेंसी डिफ्यूजन के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है. इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन एंड वेकेंसी डिफ्यूजन. सो इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी फास्टर प्रोसेस है और वेकेंसी डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी स्लोअर प्रोसेस है. इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन में क्या होता है, जहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस दैट मीन्स वॉइड्स, खाली जगह है, डिफ्यूजन वहाँ होता है. और वेकेंसी डिफ्यूजन में जहाँ वेकेंसी प्रेजेंट होंगी वो भी उसके एडजेसेंट साइड में ही वहीं पे डिफ्यूजन ऑकर करेगा, अदरवाइज वो कहीं और में डिफ्यूजन नहीं हो सकता है. और इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन में हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, here since the atoms are different ones so they don't need to break their bonds with neighboring atoms. क्योंकि interstitial diffusion में atoms जो है वो अलग type के होते हैं, मतलब जो present है उस lattice में, उस metal में, उसके अलावा वो कोई और atom जो हम बाहर से उसमें add करते हैं, impurity atoms वो बाहर से ऐड करते हैं, इसलिए उनको अपने, क्योंकि वो वहाँ के उस मेटल के एटम नहीं है तो उनको जो है अपना नेबर एटम से बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी फास्टर होता है. डिफ्यूजन, वेकेंसी डिफ्यूजन में क्योंकि एटम्स को अपना बॉन्ड जो है अपने नेबरिंग एटम से ब्रेक करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लोअर है. क्योंकि मैंने अपने पिछले दो वीडियो में बताया था इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन और वेकेंसी डिफ्यूजन के बारे में पूरी डिटेल में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर जाके देखिए, तभी आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा इजीली. देखते हैं अगला पॉइंट क्या है. ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी लो टेम्परेचर में भी हो सकता है. दैट इज़ क्योंकि हम जो एटम्स है वो बाहर से उसमें ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी एटम्स. ठीक है, तो इसको अपना बॉन्ड ब्रेक करना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको जो टेम्परेचर है वो लो रहेगा तो भी ये काम चल जाएगा. लेकिन वेकेंसी डिफ्यूजन जो है उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हाई टेम्परेचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. टेम्परेचर हाई होगा तभी एटम्स जो है वाइब्रेट करेंगे और तभी उनको जो है अपना बॉन्ड ब्रेक कर सकेंगे अपने नेबरिंग एटम्स के साथ, तभी वहाँ पे डिफ्यूजन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो फैक्टर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. वेकेंसी में हाई टेम्परेचर होना ज़रूरी है, बट इंटरस्टिशियल में टेम्परेचर लो भी रहा तो भी चलेगा, इट्स नो प्रॉब्लम. एटम्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन वेयर देयर इज अ वॉइड प्रेजेंट. इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन में क्या होता है, एटम्स जो है वो कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी उसे खाली जगह मिलेगा वो वहाँ मूव कर सकेगा. बट वेकेंसी में ऐसा नहीं होता है. वेकेंसी डिफ्यूजन में एटम्स जो है वो सिर्फ एक ही वेकेंसी, अगर जहाँ अवेलेबल है वहीं पे मूव कर पाएंगे. और इसमें क्या होता है, वेकेंसी और एटम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों का डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होता है. बट इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन में वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एटम. और साइज ऑफ द डिफ्यूजिंग एटम्स इज स्मॉलर. जो डिफ्यूजिंग एटम्स है उसका साइज हमेशा स्मॉल होता है, क्योंकि वो वॉइड्स अगर सेम साइज का हुआ तो वो एटम को रिप्लेस करेगा बट वॉइड्स में नहीं जा पाएगा. तो इसलिए यहाँ पे एटम्स का स्मॉलर होना ज़रूरी है.
और उसका वो एटम जो है वो इम्प्योरिटी एटम्स ही होना चाहिए, तभी वो साइज में स्मॉल होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो वो डिफ्यूज नहीं करेगा वॉइड्स में, क्योंकि जनरली जब हम एक लैटिस स्ट्रक्चर में एक मेटल में एटम्स को अरेंज करते हैं, तो जब एक किस्म के सारे एक ही साइज के जब एटम्स होते हैं सब, जब हम उसे पैक करते हैं तो क्या होता है, कुछ खाली जगह बच जाता है, क्योंकि वो सारा कवर तो नहीं कर पाएगा, तो वो जो खाली जगह बचेगा उसमें छोटे एटम्स जो है वो डिफ्यूज करेंगे। तो इंटरस्टिशियल डिफ्यूजन में वो होता है, बट वैकेंसी डिफ्यूजन में एटम्स जो है उनका साइज हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो सेम लैटिस के ही एटम्स जो है वो आपस में डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूजिंग एटम्स मस्ट बी इम्प्योरिटी एटम, हियर एटम्स कैन बी इम्प्योरिटी और सेम बल्क एटम्स प्रेजेंट इन द लैटिस इटसेल्फ। तो एटम्स जो है इंटरस्टीशियल डिफ्यूजन में जो एटम्स हम डिफ्यूज करने जा रहे हैं वो इम्प्योरिटी एटम ही होना चाहिए, क्योंकि सेम लैटिस का एटम जो है वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका साइज जो है वो सेम होता है। अगर साइज सेम रहेगा तो वो वॉइड्स में डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, वो वैकेंसी में ही डिफ्यूज होंगे। और वैकेंसी डिफ्यूजन में वो इम्प्योरिटी एटम भी हो सकता है, या तो फिर वो लैटिस में जो प्रेजेंट एटम्स है वो उसी का एक मेंबर हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट इसमें यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम ही होना चाहिए, जो कि साइज में छोटा होना चाहिए। और हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन, गिव टू रीजंस व्हाई इंटरस्टीशियल डिफ्यूजन इज मोर रैपिड देन वैकेंसी डिफ्यूजन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है। ठीक है, कि इंटरस्टीशियल डिफ्यूजन वैकेंसी डिफ्यूजन से रैपिड क्यों है, फास्टर क्यों है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंटरस्टीशियल डिफ्यूजन जो है उसमें डिफ्यूजिंग एटम्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, बाहर के एटम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इस वजह से ये प्रोसेस फास्टर है, क्योंकि अगर इम्प्योरिटी एटम है तो उनको जो है अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ उस वजह से प्रोसेस फास्टर होता है। दीज एटम्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज देन एटम्स प्रेजेंट इन द लैटिस। ठीक है, ये एटम्स जो है वो जनरली यहाँ पे जो अदर एटम्स है उस लैटिस में उससे साइज में छोटा होता है, और यहाँ उसका छोटा होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से प्रोसेस फास्टर होता है। हैंस दीज इम्प्योरिटी एटम्स डोंट नीड टू ब्रेक देयर बॉन्ड्स विथ नेबरिंग एटम्स। जैसा कि मैंने बताया था कि इस क्योंकि वो इम्प्योरिटी एटम्स है तो उनको अपना बॉन्ड जो है अपने साथियों से ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो बिकॉज डिफ्यूजिंग एटम्स डिफ्यूज इन टू इंटरस्टीशियल स्पेसेस और वॉइड्स, हैंस इट इज ईजियर टू मूव फॉर देम। क्योंकि डिफ्यूजिंग एटम्स जो है वो सिर्फ वॉइड्स खाली जगह जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे वो मूव करते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, तो उनके लिए एटम्स के लिए वो खाली जगह पे मूव करना काफ़ी इजी होता है और फास्टर होता है। एटम्स डोंट नीड टू वेट फॉर वेकेंट स्पेसेस और वेकेंसीज। ठीक है, एटम को वेकेंट स्पेसेस या वेकेंसी के लिए वेट करना नहीं पड़ता है, वो जहाँ पे भी खाली जगह रहेगा वहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो बहुत फास्टर है वैकेंसी से। तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिएगा। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर देखिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आएगा और ये आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और अपलोड्स मिलती रहे और भी आपको क्वेश्चंस मिलती रहे।